कोई नहीं रोकेगा मुझे, क्योंकि इसने मेरे बर्गर में बाल डाला, वो भी इतना बड़ा। अरे तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? ये बाल कहीं से भी आ सकता है, ये जरूरी नहीं कि ये इसी का बाल है, संतोषी का। आप हमेशा उसकी साइड क्यों लेते हैं? आप हट जाइए, ये मेरे और उसके बीच का मामला। तुम सारे मामले तब निपटाना जब होश में आओगे। फिलहाल जाके आराम करो। नहीं, जाओ जाओ, चलो। ये पूजा कौन कर रहा है? इतनी सुबह हमसे पहले तो सिर्फ संतोषी उठती है, बस वही पूजा कर रही होगी। हेमा, सबकी रक्षा करना, और हमसे कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ कर दे। अरे ये तुम सारा दिन संतोषी माँ के जाप करती रहती हो क्या? हाँ, जो मन में बसा हो उसका नाम क्या जपना, वो तो वैसे ही दिल में धड़कता है। संतोषी माँ तो हमारे लिए दिल में बसी धड़कन की तरह, जिन्हें हम हर सांस में महसूस करते हैं। अच्छा अब छोड़ो ये सब, बहुत हो गया तुम्हारा क्या? संतोषी, कहाँ हो तुम? और मेरा ऑरेंज जूस कहाँ है? काकी, नूपुर मैडम के जूस का समय हो गया है, अभी अंदर चले फिर दोबारा आ जाएंगे। जूस देने तुम्हें जाना है, तुम जाओ, हमें यहाँ अच्छा लग रहा है, हम कहीं नहीं जाएंगे। पर आपको अकेले छोड़कर कैसे जाएं? अरे तुम घर के बाहर ही तो हैं, कोई सड़क पर थोड़ी है, तुम्हें हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं, तुम जाओ। अच्छा ठीक है, आप कहती हैं तुम जाते हैं, लेकिन भैया आप जरा काकी का ख्याल रखेंगे, हम भीतर से बस यूं गए और यूं आए। ठीक है। नमामि क्रांति माँ। नमामि क्रांति माँ। नारायण नारायण। प्रणाम माते। आयुष्मान भाव। नारायण नारायण। माते, ये कैसा अन्याय हो रहा है माते? अकारणवश एक वृद्ध महिला को कष्ट दिया जा रहा है। आपने तुम्हारे जान ही निकाल दी थी, वो तो अच्छा हुआ हम समय पर आ गए, वरना पता नहीं क्या। हमें तो पहले ही पता था कि क्रांति माता का अपमान हम सब पर भारी पड़ेगा, अब देख लिया आप लोगों ने। संतोषी, तुम्हें जरा सा भी दिमाग है कि नहीं? तुम इस तरह माँ को अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हो? अरे शांत हो जाओ सब लोग, मैंने ही संतोषी को कहा था जाने के लिए। जब से ये लड़की इस घर में आई है, यहाँ कोई ना कोई विपदा, कोई ना कोई परेशानी होती रहती है, पता नहीं और क्या क्या बुरा होने वाला है इस घर। अब नहीं, आज से बल्कि अभी से ये और इसकी संतोषी माँ इस घर से बाहर जाएंगे। अरे धैर्य रुको भाई, अरे क्या कर रहे हो? इसके बारे में बैठकर इत्मीनान से बात की जा सकती है, रुको। आउट। Get lost. घर से बैग मत फेंकिएगा। संतोषी माँ की फोटो है उसमें। माता की तस्वीर? पर ये कैसी माता है तुम्हारी? अपने भक्त को इतनी परेशानी में देख के भी तुम्हारी मदद नहीं कर रही। आपको जो समझना है समझिए, लेकिन माँ की फोटो को कुछ मत कीजिए। अब इससे दोष देने से क्या फायदा?
गलती हमारी है जो हमने क्रांति माता के आश्रम में जाकर उनका अपमान कर दिया। अरे संतोषी माँ की पूजा करना कोई पाप है क्या? बिल्कुल नहीं, लेकिन अगर वो पूजा इस घर में होगी तो वो जरूर पाप है। और आप इसको इस सब बातों में बढ़ावा मत दीजिए। संतोषी माँ, हर चीज की लिमिट होती है। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। नाटक नहीं है मैडम जी, बस श्रद्धा है। जैसे आपका क्रांति माँ पर है और हमारा संतोषी माँ पर। ये फिर क्रांति माँ के सामने अपनी संतोषी माँ का नाम है? मुझे तो लगता है कि जो क्रांति माँ के सत्संग में हुआ था बल्कि इस लड़की को साथ में ले जाने से हुआ। नुपुर भाभी, रिलैक्स। रिलैक्स? आप लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हो? क्योंकि मुझे पता है कि संतोषी के साथ क्या करना है। संतोषी इस घर में रहेगी। What? पर उसकी संतोषी माँ इस घर से बाहर जाएगी। और आज से तुम्हें हमारे साथ क्रांति माता को पूजना पड़ेगा।